मध्य प्रदेश के सागर विधानसभा सीट से विधायक शरण जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की किन किन योजनाओं का किस तरह से हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल, जो मूलभूत सवाल होता है प्राथमिकता के आधार पर, जिसे हर विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश के विधायक ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो है सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो सबसे पहले जन साहब, सड़क की अगर हम बात कर लें, क्या स्थिति पाते हैं आपके कार्यकाल और उससे पहले की स्थिति? इस समय सड़कों की स्थिति हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ कि आज़ाद भारत के बाद और जब से मध्य प्रदेश की स्थापना हुई है, सागर के विधानसभा क्षेत्र की स्थापना हुई है, तभी से जो स्थितियां हैं, आज स्थितियों में बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब हमारी जितनी भी मेजर सड़कें हैं वो सारी की सारी सड़कें हमने बना दी हैं या उनमें निर्माण का काम चालू है। कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं लेकिन अधिकांश सड़कें हमारी ठीक स्थिति में आ गई हैं। अब हमने कुछ इंटरनल सड़कें भी सागर विधानसभा क्षेत्र की ली हैं जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं और इस वर्ष के अंत तक हम वो सारी सड़कें पूर्ण कर लेंगे। तो सड़कों के मामले में मैं कह सकता हूं कि वहां पर विधानसभा में स्थिति एकदम अच्छी। और स्वास्थ्य की अगर बात करें, क्या नए अस्पताल खुले या जो अस्पताल थे उनको संसाधन युक्त किया गया, स्टाफ की स्थिति क्या है? सागर में एक बड़ी जनसंख्या को कैटर करने के लिए हमने चमेली चौक, जो हमारी पॉली क्लिनिक थी, उसका प्रस्ताव विधानसभा में लाके और उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने हमें 30 बिस्तर के अस्पताल की स्वीकृति दी है और प्रयोग के तौर पे 10 बिस्तर के वो अस्पताल शुरू होने वाला है। अभी कैबिनेट में उसकी अनुशंसा, कैबिनेट में जाके उसको पास होना है और प्रति वगैरह तैयार हो गई है। मैं समझता हूँ कि 1 माह से 1.5 माह के अंदर हम उसका भूमि पूजन करके काम की शुरुआत कर लेंगे। तो सागर की लगभग 1/4 की जनसंख्या के लिए अतिरिक्त चिकित्सा की सुविधाएं हम मुहैया करा पाएंगे। अभी हमने जो मुख्य हमारा चिकित्सालय है, चिकित्सालय के लिए भी हमने ट्रॉमा सेंटर से लेके नया OPD से लेके अनेक तरह का विस्तार किया है और सुविधाओं को बेहतर बनाने की दृष्टि से मर्जर की प्रक्रिया हम लोगों ने की थी, लेकिन वह हमारा प्रयोग बहुत सफल नहीं रहा। अतः हमने आज ही विधानसभा के अंदर हमने शून्यकाल के माध्यम से डी मर्जर की बात कही है कि शासन को हमने प्रस्ताव भेजा है कि जो मर्जर की प्रक्रिया थी, मर्जर जो हो गया था, उसको अब हम रिवर्स करना चाहते हैं और पुनः डी मर्जर करके मेडिकल कॉलेज को और जिला चिकित्सालय, दो हमारी अलग अलग यूनिट्स होके फंक्शन करें, उससे बेहतर स्थिति बनेगी। बिल्कुल। और ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कहेंगे, 24 घंटे बिजली घर के लिए और 10 घंटे किसान के लिए दावा सरकार की तरफ से है, लेकिन कई इलाकों से शिकायतें इस तरह की आती हैं कि बिजली पर्याप्त तो मिलती नहीं है, जो दावा है उस दावे पर सरकार खरी नहीं उतर रही है। क्या आपके सागर में इस तरह की कोई स्थिति निर्मित होती है कि बिजली कटौती हो रही है? सागर हमारा पूर्ण शहरी क्षेत्र है, यहाँ बिजली कटौती का कोई प्रश्न नहीं है। 24/7 हमारे यहाँ पावर सप्लाई है। कोई इस तरह की कोई बहुत बड़ा फॉल्ट आ जाए या अन्य कोई मेंटेनेंस को लेके कभी कोई लाइट जाती है तो जाती है, वरना हमारे यहाँ बिजली की आपूर्ति से संबंधित कोई समस्या नहीं है। और इस समय हमने IPDS योजना के माध्यम से, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, उसके तहत हमने सागर के ट्रांसफार्मर बदलने के लिए, पुराने जो केबल हैं उनको बदलने के लिए, पुराने खंभे हैं उनको बदलने के लिए अभी 2 योजनाएं हमने स्वीकृत कराई हैं। 16 करोड़ रुपए की अभी हुई है, लगभग 20-22 करोड़ की पहले हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि सागर शहर का कोई भी इलेक्ट्रिकल पोल, कोई भी ट्रांसफार्मर, कोई भी DP ऐसा नहीं बचेगा जिसमें कहीं कोई मरम्मत की आवश्यकता हो। बीच में हमें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा फ्रेंचाइजी कंपनी के माध्यम से विद्युत वितरण का कार्य शुरू कराया गया था, लेकिन जनता उनसे नाराज़ थी, जनता उनसे परेशान थी, तो हम लोगों ने स्वयं आंदोलन करके और बातचीत करके
शासन से बातचीत करके और फ्रेंचाइजी कंपनी का जो एग्रीमेंट था वो ख़त्म कराया और शासन ने पुनः अपने विद्युत मंडल ने अपने हाथ में ले लिया है। विद्युत संबंधी कोई समस्या है नहीं। बिल्कुल, एजुकेशन के मामले में अगर हम बात करें, स्कूल शिक्षा चाहे उच्च शिक्षा की बात हो, जो सरकारी स्कूल है वो कंपटीशन से बाहर होते ही दिख रहे हैं। एकदम ट्रेंड ऐसा आ गया है कि सरकारी शिक्षक और उसका बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। इस ट्रेंड से बाहर निकलने की कोशिश मध्य प्रदेश में हो सकती है क्या, या होगी तो कैसे होगी, या भविष्य क्या दिख रहा है आपको? आपके विधानसभा क्षेत्र की स्थिति के आधार पर क्या आकलन आप करते हैं? जो आपने कहा कि सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान कम हुआ है, ये बिल्कुल दृष्टिगोचर हुआ है। जो दर्ज संख्या है उसमें कमी आई है और वह चिंताजनक भी है। हालांकि हम लोगों ने इस विषय को लेके गंभीर कोशिशें शुरू की हैं और विद्यार्थियों को कन्विंस करके और एक क्वालिटी एजुकेशन देने का और वो सारी सुविधाएं देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर एजुकेशन का विषय हो, चाहे प्लेग्राउंड का विषय हो या अन्य चीज़ों का विषय हो, उनको हम यथासंभव यथाशक्ति उनको निजी विद्यालयों के कंपटीशन में हम उनको मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि सरकारी स्कूलों में जिस तरह के योग्य शिक्षक हमारे पास हैं उतने योग्य शिक्षक निजी विद्यालयों में नहीं हैं। उसका फ़ायदा हमें मिलना चाहिए, उसका फ़ायदा अंततः मिलेगा अगर हम व्यवस्थाएं और सुविधाएं कुछ बेहतर कर लें। कुछ शासन स्तर से काम करने की आवश्यकता होती है, कुछ हम अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में पुनः सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान बढ़ेगा। उच्च शिक्षा में अगर बात करें, क्या कुछ नए कॉलेजेस खुलने की ज़रूरत है आपके क्षेत्र में, या पहले से जो व्यवस्था है पर्याप्त है? इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमने सागर में मध्य प्रदेश के प्रथम महिला विश्वविद्यालय खोले जाने हेतु वकालत की है और वो हमारा प्रस्ताव काफ़ी आगे तक बढ़ा है। रूसा से जो इस समय पूरे मध्य प्रदेश में जो नॉर्म्स के हिसाब से विश्वविद्यालय महाविद्यालय की स्थिति है, वो हमारा महाविद्यालय जो है सर्वोत्तम स्थिति में है। सागर का जो हमारा महिला महाविद्यालय है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, वहाँ पे दर्ज संख्या लगभग 8,500-9,000 है और इतनी बड़ी संख्या जो है हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय में नहीं है। तो इस नाते से एक महिला विश्वविद्यालय खोले जाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में सागर को मध्य प्रदेश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मिल जाएगा। दो चीज़ें आपस में जुड़ती हैं, एक डॉक्टर्स को लेकर सवाल बार बार विधानसभा में कई बार खड़े होते हैं, कई इलाकों में डॉक्टर्स नहीं हैं। मेडिकल एजुकेशन के मामले में जितने कदम सरकार ने अब तक उठाए हैं, क्या पर्याप्त हैं? नहीं, मेडिकल एजुकेशन के मामले में हमें बहुत कुछ किया जाना बाकी है। एक उदाहरण मैं सागर का जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है उसका देना चाहूँगा कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज बनने के बाद आज तक भी हमारी चिकित्सीय सुविधाएँ और वहाँ पे जिस तरह की डॉक्टर्स की फैकल्टीज़ की कमियां हैं वो पूर्ण करने में हम सफल और सक्षम नहीं हो पाए हैं। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में अभी पीजी क्लासेस हम शुरू नहीं कर पाए हैं। हालांकि हम बहुत शीघ्रता के साथ जो कुछ डिफिशेंसीज हैं फैकल्टीज़ की हैं या अन्य चीज़ें हैं बिल्डिंग की हैं वो हम पूरा कर रहे हैं और एक दफ़ा पीजी क्लासेस हमारी अगर शुरू हो जाती हैं तो पीजी क्लासेस शुरू होते ही साथ हमें जूनियर और सीनियर रेसिडेंट्स हमें मिल जाएंगे और डेफिशिएंसी हमारी कम हो जाएगी और वर्किंग हैंड्स हमारे बेहतर हो जाएंगे। तो हमारी सुविधाएं जो हैं चिकित्सा संबंधी और अध्यापन संबंधी दोनों बेहतर हो जाएंगे, लेकिन पीजी क्लासेस शुरू होना बहुत आवश्यक है, उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार के काम को किस लिहाज से देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास की बात हो और चाहे हर घर में अब गैस टंकी गैस चूल्हा पहुंचाने की बात हो, कितना लाभ क्षेत्र की जनता को मिल पा रहा है? प्रधानमंत्री आवास में सागर जो है मध्य प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान में फर्स्ट टॉप दो तीन शहरों में शामिल है। हमने बहुत अच्छा काम किया है और अभी लगभग 5,000 मकान बना के हम देने की स्थिति में आ जाएंगे इस वर्ष के अंत तक। अभी हमने लगभग 1,300 मकान बना के हितग्राहियों को सौंप दिए हैं और लगभग
ढाई से 3,000 मकान हमारे निर्माणाधीन हैं और इस वर्ष के अंत तक वर्ष 2018-19 में हम उसको हैंड ओवर कर देंगे। तो प्रधानमंत्री आवास की और राजीव आवास में हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। लगभग 6,000 से 7,000 परिवारों को हमने BLC के माध्यम से उस स्कीम में लिया है और 2.5-2.5 लाख रुपए की सहायता राशि उनको अनुदान के रूप में हम लोग दे रहे हैं और प्रथम किस्त के रूप में हमने 40,000 रुपये उनको दे दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आवास संबंधी जो हमारी कमियाँ थीं और जो हमारी आवश्यकताएँ थीं वो हम पूरी कर पाएंगे। उज्ज्वला का कितना एडवांटेज दिख रहा है, क्योंकि भले ही शहरी इलाका है लेकिन सागर को देखते हैं तो शुद्ध शहरी सा नहीं लगता है, एक ग्रामीण टच पूरे सागर में हमेशा रहता है। उज्ज्वला का कितना लाभ आपको दिख रहा है और क्या उससे फ़र्क आया है? उज्ज्वला योजना भी केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है और BPL परिवारों को उसके माध्यम से लाभ मिला है और मैं समझता हूँ कि लगभग सारे जो कमियाँ जो थी हमारे BPL परिवार और जो योग्य थे उसके उनको उसका लाभ मिल गया है। कुछ एक परिवार शेष बचे हैं जिनके नाम उज्ज्वला में अभी आने से रह गए हैं। मैं समझता हूँ कि इस हमारे शेष कार्यकाल तक हम उसको पूर्ण 100% करने की स्थिति में होंगे तो उज्ज्वला के हमारे लगभग लक्ष्य पूरा हो जाएगा। जिन साहब, एक स्थितियाँ बदली हैं सरकार की जिम्मेदारी में, एक समय प्रगतिशील मतलब प्रगति जो डेवलपमेंट है धरातल पर जो दिखता है सरकारें उसी को केवल फोकस करती थी, अब भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में काम देख लें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केंद्र सरकार का काम देख लें, लोक कल्याणकारी कार्यों की तरफ रुझान ज़्यादा दिखता है, सड़क से ज़्यादा फोकस मध्य प्रदेश में तीर्थ यात्रा पर दिखता है, 1 रुपये किलो गेहूँ चावल पर दिखता है। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें तो वहाँ भी फोकस इसी तरह की योजनाओं पर है, ये जो परिवर्तन है इसे किस लिहाज से आप देख रहे हैं? मध्य प्रदेश का ही एक उदाहरण है कि एक समय स्वेच्छा अनुदान मतलब गंभीर बीमार को सहायता पहुंचाने एक लिमिटेड राशि होती थी, अब ऐसा लगता है कि जैसे सरकार ने इस विषय को लेकर पूरी तरह से खजाने खोले, ये किस तरफ हम जा रहे हैं? हालांकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये विकास की कॉस्ट या विकास की कीमत पे नहीं हो रहा है, ये हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन मूलभूत सुविधाओं के अलावा हमें अपने लोगों को ख़ास तौर से चिकित्सा के क्षेत्र में उनको मदद पहुंचाने की दृष्टि से जो स्वेच्छानुदान मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान उन्होंने शुरू किया है उसके स्कोप का काफ़ी बढ़ा दिया है और हम लोगों के पास भी जो पहले महीने में 2, 4, 6, 10 प्रपोज़ल आते थे अब महीने में 50 और 100 प्रपोज़ल आने लग गए हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी उदारतापूर्वक स्वेच्छानुदान देते हैं, उनको जस्टिफाई करने में भर आपको अपनी कौशल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक बार अगर आप उसको जस्टिफाई कर पाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मैक्सिमम पैसे जो हैं चिकित्सा के लिए दे रहे हैं और अभी तक एक बहुत बड़ी संख्या है सागर विधानसभा की जो मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के माध्यम से लाभान्वित हुई है। निश्चित रूप से इस तरह की योजनाओं से व्यक्ति को डायरेक्ट लाभ पहुंचता है, उससे व्यक्ति को खास तौर से अपनी आपातकालीन सेवाओं में और आपातकालीन परिस्थितियों से उभरने में मदद मिलती है। राजनीतिक परिस्थितियों की अगर हम बात करें 2018 कितना चुनौतीपूर्ण लगता है, क्योंकि 3 बार की सरकार हो चुकी है, बहुत लंबा समय होता है, चाहे हम कार्यकर्ता के लिहाज से सोच लें, उसके रिचार्ज होने के लिहाज से सोच लें और चाहे जनता की सोच के हिसाब से हम सोच लें, कितनी चुनौती लगती है 2018? देखो, हर एक चुनाव अपने आप में चुनौती होता है और जो चुनौतियां 2003 में थीं, 2008 में थीं, 2003 में थीं, 8 में थीं, 13 में थीं, अब लगभग वैसी ही चुनौती 2018 में भी है, लेकिन फ़र्क ये हो जाता है कि आप 3 कार्यकाल से लगभग 15 वर्ष के बाद जब जनता के बीच में जाते हैं तो अब आपको अपनी उपलब्धियां अधिक से अधिक संख्या में अधिक मात्रा में गिनाने की आवश्यकता होती है,
लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 15 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार के प्रति या माननीय मुख्यमंत्री के प्रति या जनप्रतिनिधियों के प्रति कोई आक्रोश नहीं है। एक जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो कभी कभी कुछ जगहों पे देश भर में दिखाई देता है, इतने वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है, लेकिन 15 वर्ष के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज़ अभी यहाँ हमें देखने को नहीं मिल रही है। सरकार के प्रति लोगों के नज़रिए में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हैं जनता की पहली पसंद हैं, और मुख्यमंत्री महोदय जितनी मेहनत कर लेते हैं और बाकी उतनी मेहनत वो अपनी विधायकों से भी करवाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि 2018 कोई बहुत बड़ी चुनौती होगी। विपक्ष जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ताकतवर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मेहनत वहाँ भी हो रही, बैठकों का सिलसिला वहाँ भी शुरू हो चुका है। बैठकें वहाँ शुरू होना लाजमी है क्योंकि अब चुनाव आ गया। विषय ये है कि उनकी बैठकों की शुरुआत उस समय होती है जब चुनाव का बिगुल बज चुका होता है, और भारतीय जनता पार्टी में पहले दिन चुनाव जीतने के बाद से ही हम अगले चुनाव की तैयारियों में लग जाते हैं। हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि चुनाव कभी भी हो जाएं, हम हमेशा तैयार होना चाहिए। तो इस नाते से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां उनसे बहुत बेहतर हैं। हम कसौटी पे हमेशा खड़े उतरे हैं, और विकास के मामले में और जनहितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रैंकिंग बहुत अच्छी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चुनौती 2018 हमारे लिए होगी। बिल्कुल, तो 2018 बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी, बल्कि सरकार की योजनाओं का लाभ एक बार फिर 2018 में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कैमरामैन रिजवान खान के साथ हित किशोर शर्मा।